फाइनली अपनी धनों में गाइस, ये मम्मी के स्कूल का साइड है तो आजकल स्कूल की छुट्टी बढ़ी है इसलिए गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी और इतनी प्यारी चमक रही है, इतनी प्यारी कि क्या बताऊँ। और ये 1 2 3 और बाकी ये तो अपना भाई हमारे साथ चमकता ही रहता है। गाइस चमकती गाड़ी के साथ हम निकल रहे हैं बाहर। भाई जहाँ देखो वहाँ भगवा कलर के झंडे, जय श्री राम वाले, मतलब मजा ही अलग है। रोड में घूमते हुए भी अलग ही प्राउड सा फील हो रहा है। क्या बोलते हो, हम लेंगे फिर फ्लैग? बोलेंगे? लेना चाहिए ना, वो तो बनता है यार, एक फ्लैग तो बनता ही है, बनता है, बनता है। क्या भी हो रहा है? अच्छा नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। यहाँ भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है, जो भंडारा हो रहा है। बिन देखे बता दूंगा भंडारा हो रहा नहीं यार। अरे शोर से मेरे इतना हाँ यार। चलो जय जय कर दो, जय 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 भगवान जी की। ओ यस, मतलब अपना एकदम सही चल रहा है। दो दिन से तो अपन लोग यही कर रहे हैं, कल भी हम लोग ऐसे थे दिन भर। हम लोग, मैं और मम्मी तो सुबह ही बाहर निकल गए थे, पूरे दिन हम लोगों ने रैलियों में काटी, मजे किए, नारे लगाए और अच्छा सब मन से भी अच्छा लगा लाइक, है ना। और आज भी हम लोग यही करने निकल गए। दो दिन तो, और मेरा परसों वाइवा है बोर्ड्स का, पर ये करना ज़रूरी है, हो जाएगा यार, हो जाएगा, बढ़िया है, बाकी मज़ा आ रहा है। शायद तू पूरे होशो आवाज में एक बात भूल गई है। क्या? कि तू लास्ट टाइम इस बाइक पे बैठी थी आज से 6 महीना पहले। ओह यस। अब तो 6 महीने बाद इसके पीछे बैठी है। यस ट्रू। और मेरी चमक रही है ना भाई, मजा आ रहा है। और मेरी बाइक भी 6 महीने के बाद देहरादून की सड़कों में घूम रही है आज। यस 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 यस, टुरू टुरू। प्रसाद ले लेते हैं हम, चुनक चुनक सा, चुनक सा नहीं थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, आई मीन टू से, वही वही यार, सेम टू सेम ही होता है। जय कर लो भाई, जय कर लो। यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह खा खो के ये था जो भी था, और अब हम निकल रहे हैं विद दीप्सी भैया। हेलो दीप्सी भैया, पीस आउट। ये दीप्सी भैया ना, नाम उसने रखा था, मेरा एक फ्रेंड है अथर्व नाम है उसका, मेरा क्लासमेट है। तो वो ना भाई का उसे नाम नहीं पता, वो भाई को दीप्सी भैया ही बुलाता है, दीप्सी भैया को देखा था, दीप्सी भैया आए थे ये वो, सो दीप्सी भैया की व्लॉग्स, उसका नाम, भाई का नाम ही दीप्सी भैया बढ़ चुका है। बढ़िया है यार, मैं तो भाई को बोल रही हूँ भाई अपनी व्लॉग्स भी, व्लॉगिंग का नाम भी दीप्सी से नाम दीप्सी भैया रख दो अपनी व्लॉग्स का नाम। सही है, छपरी बन जाओ ना। अरे नहीं बढ़िया रहेगा, जैसे बाबू भैया दीप्सी भैया भी हो सकता है यार। देख तुलना करो पर अच्छे इंसान से करो, ऐसा नहीं ऐसा भी कर दो। नहीं मतलब मैं देखो इंसान पे मत जाओ, मैं नाम पे बात कर रही हूँ, लाइक नाम इज इट्स अ गुड नेम राइट, कुछ यूनिक होना चाहिए यू नो। बाकी हाँ ये यही सब चल रहा है बस, हाँ देखो जय श्री राम, जय श्री राम बस। गाइस यस, लड़ाई पे ध्यान दो, वोट डाल के तुम्हारे सड़प ये ये हम जा कर रहे हैं, अब ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरे को वहाँ पे काम है, मतलब जो हमारी बाइक था ना इसका जो एनओसी लेनी है मेरे को, उसको सेल आउट करने के लिए, तो ये एनओसी लेने जा रहे हैं अभी हम। अच्छा फिर उसके बाद हम थोड़ा सा घूमेंगे ना, अभी तक हम घूमे नहीं। तुम कौन करे ऐसा भाई, हर किसी को मिले, मैं अकेले की झेलू। जय की यार, ये फूल कितना अच्छा लग रहा है ना यार। एनीवेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा हो रखा है, बाकी राम भगवान जी देख लो फ्लैग, आई मीन टू से यस, क्या बढ़िया उड़ रहा है एकदम, सारी जगह उड़ रही है। गाना भी बज गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। कुछ नहीं
श्रीराम बैंक ढूंढ रहे थे हम, यहाँ पे दो दो है। हाँ वैसे हमारे, मैं जानता भी नहीं है कौन सा बैंक है। हाँ बट आज इधर इसमें भी राम है तो हम यहाँ पे भी आ रखे। अरे हाँ, जय श्री राम, श्री राम बैंक। बढ़िया बढ़िया, आज पहली बार आ रहे हैं हम यहाँ पे। यस ठीक है। जब तुम्हें पता है कि हम सबकी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, तुम बीच में ठुमकते ठुमकते आ रहे हो, क्यों क्यों सबको क्यों अपने वायरल कर रहे हो? वैसे हम हाई फोकस करते हैं। वो काम हम करने आए थे वो हो नहीं पाया, तो हम दोबारा जा रहे हैं। अब हम मारेंगे फाइनली एरिया। हो जाता है जब श्री राम हो साथ तो डरने की क्या बात। हेलो भाई, है ना यही वो बीच चौराहे पे चला। उए भाई कार भी वही है, इसी कार की बात कर रहा था मैं। इस कार के ना लाइक बोनट पे ना बहुत बड़ा बड़ा जय श्री राम लिखा है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। कल जब हम लोग रैली में थे ना तो ये कार थी और यही वाला फ्लैग था जो उन्होंने बीच चौराहे पे ना इतनी गोल गोल घुमा रहे थे उसे, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो भाई को कह रही थी हमारी कार में भी यही करा देता है, पर भाई मान नहीं रहे। भाई कह रहे उसका बोनट थोड़ा राउंड है, अच्छा नहीं लगेगा। चलो इधर से चलना भाई। आंटी आओगे, आंटी की थोड़ी सी गली मुंडी छुप गई, कट गई। आपको ले रही हूँ तो आंटी की मुंडी कट रही है। हमने बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर लिए, थंबनेल पे देख लेना भाई, डाल देना ठीक है। बाकी क्या फोटो खींचता हूँ यार मैं, बता दो भाई कितनी प्यारी फोटो खींचता हूँ मैं। हाँ क्या ये बताओ हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? आप मेरे को ना बोल बोल के घर तो नहीं ले जा रहे हो? मुझे घूमना है ना। हाँ शांति से बैठी रहे चुपचाप। क्या ये ना ऐसे करते हैं मेरे ना धोक 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 हो रहा है। छुपा सामने कितने सारे फ्लैग फ्लैग दिख रहे हैं ना। खींच ले यार, हमें भी चाहिए यार एक गाड़ी में भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ थी कल पूरे में रैली, यहाँ पे घूम रहे थे हम लोग, बढ़िया मजा आया था। ये पटाखे भी लग गए अब तो जगह जगह, पटाखों की दुकानें भी खुल गई। दिवाली जो है ये कुछ तो हो रहा है, कहीं पर यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है? कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या? सामने सामने दोनों जगह गाने चल रहे थे, यहाँ भी चल रहा है कॉम्पिटिशन पे है भाई। मेरा ब्याह करा दो आज। एक तुम तो चुप ही रहो, इनसे हम बोल बोल के थक गए। ब्याह कर लो ब्याह कर लो, मम्मी कह रही बहू आ जाएगी, थोड़ा घर के काम में हाथ बढ़ जाते हैं। मैं कह रही मेरे लिए बढ़िया एक और अपने साथ खींच लूंगा, मैं अपने वश में कर लूंगा एक और जने को भाई के खिलाफ, पर नहीं शादी नहीं करूंगा। हनुमान जी कह रही हूँ, मैं राम जी बैठे हैं, जय जय कर लो, है ना जय जय। कहाँ चले? कहाँ? अरे ऐसे जाके फिर वो कहा क्या यार, मैं नहीं बात कर रहा भाई से यार, भाई तो सही में कर ले यार, मैं नहीं कर रहा बात, जाओ हटो। क्या चाहिए भैया? क्यों आई है, छुट्टी नहीं आज? क्यों? आज तो ऑफिशियल छुट्टी है, आज पूरी दुनिया छुट्टी में है, तुम कहाँ घूम रही हो? मम्मी ने बताया नहीं क्या? भी नहीं करा था। नहीं किया? किया था, तुमने देखा नहीं? मम्मी से पूछना चलो। हेलो This is Sarpanch, this is Poco, Dodo is lost. Tushan hai. Dodo aayegi to dikhaunga.
ट्यूशन है तो बाहर तो हमने कुछ खाया नहीं। उसके बाद भाई मैगी के पैकेट लाए थे तो हमने मस्त मैगी खाई है, वो भी मैंने बनाई है, कुछ नहीं करके देते हैं। हाँ मम्मी का कॉल है, मेरे फैंस हैं। तेरे फैंस बता कौन दिख रहा है ना। 20 रुपए वाली मेरी कोल्ड ड्रिंक, 20 रुपए वाला आपका रियल जूस, डील डन। जल्दी आपने पैसों से, मेरे पास है तो गरीब हूँ। ये तो फायदा होता है, वीडियो ऑन कर दो उसके बाद मांगो ना कि तो मेरा है, ये बैग ही मेरा है। शकल देखिए अपनी, चल उधर, तू तो गरीब है ना, हट हट, तू तो गरीब है ना। असलियत देख सकते हो आप अपने आपके सामने है, अब यही होता है मेरे साथ, होता आया है मेरे साथ। बस मैं क्या बोलूं, नहीं 20 है मेरे, क्या इतनी गरीबी में जी रहे हो क्या भाई आप। अबे नहीं, पहले मैंने सोचा सिक्के निकाल दूं अपने। 20 है मेरे, ये है मेरे, अब अपने देखो, ये बढ़िया है मेरे लिए। हट, तो ये क्यों, ये सिक्के क्यों निकलवा रहे हैं मेरा, अरे निकाल दो। बॉस से बोलियो कि बाकी नोट देंगे हमें, हमें नहीं चाहिए सिक्के, ठीक है। चल निकल, रियल जूस चाहिए एक, चल। अरे चल ना पतराई, चल ये एक च्युइंग गम और ले, ये साथ में ये ले, चाप बन के काम आएगी बाद में। एक ही चाहिए, सेंटा फ्रूट मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो च्युइंग गम जा। दफा हो ले यहाँ से, गिनती। चल 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 चल, ये लोग के पास आईफोन वाईफोन तो कुछ ढंग का है नहीं, हमारे फोन से फोटो खींचता, उसके बाद मांगते रहता है। ऐसी ऐसी मैं लाऊंगी कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद हम बात करेंगे। अब जाती हूँ मैं शॉप में, बाल बांध लो जरा अपना। रबर बैंड कहाँ है? तो यार मेरी हालत को इग्नोर करना, सोनांशा गई है बाहर पे कुछ सामान लाने, ठीक है। पर जो आज का मेन ब्लॉग का टॉपिक है, दैट इज़ कि मैं अपनी बाइक क्यों बेच रहा हूँ। तो यार द रीज़न बीइंग कि वो बाइक ना मेरे लिए थोड़ा थोड़ा अनलकी रहा है। ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस देखूँ ना अगर मैं उसके साथ, जब से वो मेरे को मिला, मतलब इससे पहले मेरे पास बुलेट थी, बुलेट 350 क्लासिक, तो वो थी तो मेरे पास एकदम मस्त थी, बट वो मैंने सेल आउट कर दिया था क्योंकि उसका मॉडल पुराना हो गया था, इट वॉज 2014। और वो मेरे पास काफ़ी, मतलब मैंने पर्सनली बहुत टाइम चलाई, 3-4 साल तो मैंने कॉलेज, 3 साल तो मैंने कॉलेज ही चलाई वो, प्लस 3.5 ईयर मैंने उसको कॉलेज में ही चलाया, मतलब लेके जाता था मैं। बट फिर मेरे पास एक्सट्रीम आई, मतलब फोर्थ ईयर के मिड के बाद, हाँ फोर्थ ईयर के मिड में मेरे पास एक्सट्रीम आ गई थी। अब मतलब उससे पहले पापा के पास थी, बट फिर पापा ने छोड़ दी थी तो मेरे पास आ गई थी। अब एक्सट्रीम पे आने के बाद से ना, वैसे ओवरऑल मस्त था, नॉट एग्जैक्टली शायद एक्सट्रीम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पुणे जाने के बाद से मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले जब मैं पुणे गाड़ी लेके गया तो मेरी गाड़ी वहाँ पे, यहाँ से मतलब यहाँ से मैं दिल्ली लेके गया तो मस्त चली गई, दिल्ली से जब मैंने वो चढ़ाने के लिए दे दी थी तो मैंने वो दलाल से चढ़वाई, ठीक है। तो उसने वो गाड़ी चढ़ाना भूल गया था, तो 2 दिन बाद वो गाड़ी उसने चढ़ाई, तो वो 1 दिन का और टाइम लेता, 4th दिन वो गाड़ी वहाँ पहुँची, ठीक है। तो एक वो वाला प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पे मैंने दलाल के थ्रू कराया था, पैसे वैसे सब दे दिए थे और कुछ अपडेट नहीं आ पा रही थी, तो पहला रीज़न मेरे पास ये था। फिर उसके बाद पुणे में, मतलब मेरा टचवुड आज तक कभी कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, पर पुणे में जाके मेरा पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बाइक से ही, ठीक है। उसके बाद पुणे में भी मतलब बहुत सारा वैसा रहा, उसमें पंचर वेंचर, ये देहरादून में मैंने आज तक कभी उसमें पंचर नहीं लगवाया, आज तक नहीं लगा था, 2 साल होने वाले थे गाड़ी को, बट वहाँ जाके मेरे एक साथ 4-4, 5-5 पंचर ऐसे लगने लगे थे। देन उसके बाद जब पुणे से आने का हुआ तो तुम्हें पता ही है कि क्या सीन हुआ था, वो जम्मू चली गई गाड़ी, फिर उसका कलेश अलग हुआ। देन फिर जब वो देहरादून आई, तो देहरादून आने के बाद जब वो आ रही थी तभी उसके शॉकर लीक होने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद वो सर्विस सेंटर चली गई, तो सर्विस सेंटर जाने के बाद वापस से सेम वही दिक्कत होने लगी मेरे साथ। मतलब सर्विस सेंटर में गया तो सर्विस सेंटर वालों ने मेरी गाड़ी 1 महीना के करीब अपनी रखी, क्योंकि उसके शॉकर ही नहीं आ पा रहे थे, बैक एंड से ही शॉकर में कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो शॉकर नहीं आ पा रहे थे, तो वो वाली दिक्कत। फिर जब वो इतना ज़्यादा हो गया था ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसको निकालते हैं, ठीक है। अब ये एक रीज़न है, ऐसे मेरे पास 3 रीज़न है गाड़ी निकालने के। सेकंड रीज़न इज़, जो मेन थोड़ा बड़ा रीज़न इज़, कि हमारे पास ऑलरेडी एक कार है और एक और बाइक है, इसके अलावा एवेंजर जिसको पता है, देन एक स्कूटी भी है। तो अभी वी वर प्लानिंग कि हम एक और गाड़ी ले लें, कार ले लें, तो हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होगा गाड़ी को रखने का, ठीक है। तो हम एक छोटी गाड़ी का प्लान कर रहे थे, जो मैं पापा के लिए बता ही रहा हूँ, एंड द प्लान इज़ स्टिल ऑन, ठीक है। बस हम लोग देख रहे हैं टू ग्रैब अ गुड डील, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रांड न्यू गाड़ी है, मतलब नॉट एग्जैक्टली ब्रांड न्यू बट न्यू गाड़ी है, ठीक है। अब हम एक और गाड़ी लें तो वो उतना ज़्यादा वर्थ नहीं होता, क्योंकि हमको बस इंटरसिटी के लिए चाहिए, तो हम एक सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे थे, छोटा सा पापा के लिए, जो वो घर से ऑफिस के लिए कर सकते, ताकि उनका हम बाइक छुटवा दें, ठीक है।
तो वो वाला भी अपना चल रहा है, तो एक रीज़न वो था कि मतलब स्पेस भी बचेगा, थोड़ा पैसा भी आएगा, तो एक रीज़न वो वाला भी था, इसलिए भी हम मैं उस गाड़ी को निकाल रहा था। थर्ड इज़ की जब पुराना जाएगा तभी तो कुछ बढ़िया आएगा, ठीक है। तो जिसके समझ में आता है उसके समझ में आया होगा कि क्या मैं इस लाइन से कहना चाहता हूँ। तो मे भी कि कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो, कुछ बड़ा लाने का प्लान कर रहे हो, कुछ स्पोर्टी वोटी लाने का प्लान चल रहा हो, तो वो मैंने बता दिया, तो वो भी एक प्लान चल रहा है साइड बाय साइड, ठीक है। तो दिस वॉज द मेन रीज़न जिस वजह से मैं उस बाइक को निकाल रहा था, जो भी था। मतलब मेरे लिए वो बाइक बहुत अनलकी रही पुणे जाने के बाद से। पुणे जाने से पहले इट वॉज़ वेरी नाइस, मैं उससे बहुत सारी ट्रिप भी मारी है, सब व्लॉगिंग चैनल पे तो सभी है। मैंने व्लॉगिंग चैनल ही तब स्टार्ट किया था जब मेरे पास एक्सट्रीम आ गई थी, उससे पहले मैं बुलेट में व्लॉगिंग नहीं करता था, बट ठीक है ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा। बाकी अभी चल रहे हैं बाहर पूजा करने, क्योंकि आज है भाई 22 तारीख, यानी कि अपना प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या वाला सीन हो गया है, राम भगवान जी आ गए हैं, तो बोलो भाई जय श्री राम, और चलो बाहर चलते हैं। तुमने जय जय कर लिया, प्रसाद भी खा लिया है? नहीं, तुम थोड़ा आधा घंटा और कर लेते इसे, इग्नोर हिम, तभी मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा व्लॉगर हूँ तभी। तुमने दिए वगैरह जला दिए, बाकी अरे दिवाली तो देखो यही होती है, चुप हो जाओ, दिवाली तो यही होती है, डर रहे हैं यार वो पटाखों से। पोको चुप हो जाओ प्लीज, वो कह रहे मतलब अब डरे भी ना खुल के, प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। यही होता है जो मतलब बिना पिए पिए आंकड़ों जैसी हरकतें करते हैं ना, यही लोग होता है वो। नहीं फिर पोको की तरह एक्टिंग भी तो करनी होती है क्या, वाह फिर पोको को आंसर देना है। चुप हो गई, देख एक सेकंड चुप करा दी मैंने, एक सेकंड लगा मुझे, इसे मत करो यार, चुप। उसने मेरे से बात करी, सुनान से एक नंबर की पगलाट है,